रीट मामले को लेकर सड़क से सदन तक सियासी सरगर्मी चरम पर है। जहां बेरोजगार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल तब तक नहीं चलने दिया जाएगा जब तक कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार सीबीआई जांच को हरी झंडी नहीं दे देती। वहीं दूसरी ओर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सदन की कार्रवाई चलते रहने की अपील की है। चौधरी ने कहा कि रीट पेपर मामले की एसओजी जांच कर रही है, जिसके बाद ही स्थिति साफ होगी। आप भी सुनिए कि आखिर भाजपा और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्र करता है आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर, क्योंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराओ। हमने कल माननीय अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की, हम इस सदन में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा राज्यपाल महोदय का बजट में एक भी सरकार की नीति नहीं दिखी, सरकार का कार्यक्रम नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर हम सरकार के सामने जनता के दर्द को रखना चाहते हैं, पर सरकार जानबूझकर गतिरोध पैदा किए हुए है। हमारे प्रयास करेंगे गतिरोध टूटे, सरकार सीबीआई से जांच की मांग को माने और उसके बाद बहस पर हम सब लोग आने को तैयार हैं, वरना प्रश्नकाल से ही हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल द्वारा ये हमने तय किया है कि जब तक सरकार रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच की सहमति केंद्र को नहीं भेजती, तब तक हम सदन में इसका विरोध जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इसकी घोषणा करे। उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीके विरोध के हैं उन्हें सब काम इस्तेमाल करें। अब प्रतिपक्ष ने ये तय कर रखा है कि हमें चलने नहीं देना है, तो जनता का अपमान है। जब राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने फैसला कर लिया 2018 में कि प्रतिपक्ष को विपक्ष में बैठना है और उनको अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के हिसाब से जब विधानसभा के अंदर यही तय करना है कि हम चलने ही नहीं देंगे, तो कल तय हो गया था, बात होगी, रीट की बात हो या अन्य कोई भी बात हो, सदन के नेता ने उनसे भी बात करी है, जांच चल रही है एसओजी द्वारा, और कोई बात आएगी तो नेता अपने आप में पहले भी कह चुके हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, जिसने भी गलती की है वो उसको बख्शेंगे नहीं। सदन के नेता ने पहले तय कर लिया, अब उसके बाद में बचता ही क्या है। अगर जांच पूरी हो गई और फिर कोई न्याय नहीं मिल रहा हो तो अलग बार की बात है। इसलिए मेरा तो पुनः एक बार विपक्ष के साथियों से भी ये अनुरोध है कि नए नए सदस्य जीत के आए उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए, सदन में अपनी बात करने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बजट आ रहा है, वो अपनी बात को ढंग से रख सके, वो उनको अवसर मिलना चाहिए और सदन को बराबर चलना चाहिए। ये मेरी अपील है विपक्ष के साथियों।